डर का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ा। आपको बता दें कि रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत इटमा के लोगों ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि बीते कई दिनों से उन्हें जंगली जानवर का भय सता रहा था और लगातार अज्ञात जंगली जानवर द्वारा उनके घर के अंदर और बाहर बंधे मवेशियों के ऊपर हमला कर रहा था। इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग की टीम को भी दी गई थी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर किए गए रेस्क्यू में तेंदुओं को पकड़ लिया गया है। हम आपको बता दें कि जवा तहसील के ग्राम पंचायत इटवा में बीते कई दिनों से ग्रामीण दहशत में थे, क्योंकि उनके गाँव में अज्ञात जंगली जानवर ने मवेशियों के ऊपर अपने हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसके दहशत से लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे और अज्ञात जंगली जानवर के गाँव में दस्तक देने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई थी, जिसके बाद DFO अनुपम शर्मा के निर्देश पर वन अमले ने मौके का मुआयना कर तेंदुओं के पंजे के निशान पाए थे और तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान वन मंडल सिरमौर फॉरेस्ट की टीम पहले ही प्रयास में सफल रही। बता दें कि शाम को अपना जाल फैलाया और आज तड़के 5 बजे के करीब तेंदुआ जाल में जा फंसा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को सफलतापूर्वक पिंजड़े में कैद कर लिया है, जिसे अब सुरक्षित स्थान पर जंगल में छोड़ा जाएगा। उसको कुछ ऐसी समस्या आई तो फिर जो व्यक्ति संबंधित होता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, इसलिए आप लोगों के पास नहीं जाएंगे। हम लोग भी इवन पास नहीं गए, तो हमारा दायित्व था कि वहाँ जाकर